F1 का मैच नंबर 1 लिटिल स्टेप पब्लिक स्कूल दिल्ली और उनके सामने पवार पब्लिक स्कूल पुणे। ये है आज का पहला पंगा। हम आ चुके हैं उस स्टेज पर जहां सिटी चैंपियंस आपस में भिड़ेंगे और शुरुआत, जबरदस्त शुरुआत। 1, 2, 3, 4 अंपायर ने काउंटिंग कर ली है, हो सकता है ज्यादा भी हो। कम से कम 4 पॉइंट तो मिलेंगे ओम भुले को। नंबर 7 5 खिलाड़ी पहली ही रेड, 5 पॉइंट्स पवार पब्लिक स्कूल। पवार पब्लिक स्कूल को पहली ही रेड में 5 पॉइंट मिले हैं। ये सुपर से भी ऊपर की डुपर रेड है। बिल्कुल सुनील, धमाका देखिए, जैसे ही कोशिश की ओम घुले ने, लेकिन वहां पर 10 नंबर जर्सी ने इनिशिएट किया। क्या मोमेंटम ओम घुले का, लॉबी का जबरदस्त इस्तेमाल, जैकपॉट लग गया, डाका डाल दिया। डकैती की 5 पॉइंट की महेंद्र गणेश राजपूत की इन्होंने याद दिलवा दी है, जो इन्हीं के पेट महाराष्ट्र से है। दिल्ली की टीम हिमांशु अब रेड कर रहे हैं, पुणे की टीम येलो में है और हिमांशु को कामयाबी मिली है। 1 पॉइंट लिटिल स्टेप पब्लिक स्कूल। सुनील, ऐसे स्टेजेस में से ये दोनों ही टीमें गई हैं। रनिंग हैंड टच कितना बढ़िया। तो हमें 12 टीम्स मिल चुकी हैं, 12 शहरों में केबीडी जूनियर हुआ था, उनको हमने दो जोन में बांटा, जोन ए जोन बी, हर जोन को दो दो ग्रुप में बांटा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ये ग्रुप 1 का मुकाबला है और ये है शानदार डबल एंकल होल्ड, वो भी डाइविंग। पवार पब्लिक स्कूल। सुनील, क्या लाजवाब धमाका है, नए साल की सौगात दी है पुणे ने दिल्ली के स्कूल को, बहुत ही जबरदस्त तालमेल। और अगर आप देखें लिटिल स्टेप पब्लिक स्कूल का आखिरी खिलाड़ी बचा है ऑल आउट की कगार पर, आदित्य लगातार कोशिश कर रहे हैं और टच उनको मिल गया। ऑल आउट 1+2 3 पॉइंट्स फॉर पब्लिक स्कूल। आदित्य निरफराते पहली रेड में गए थे और फड़फड़ाते हुए अपनी विरोधी टीम को ऑल आउट करके आए हैं। दूसरी कोशिश की, किक्स लगाना पवार पब्लिक स्कूल के लगता है खिलाड़ियों की खासियत है। और 10-1 ये धमाकेदार शुरुआत है पुणे के लिए। जर्सी नंबर 8 आउट, 1 पॉइंट लिटिल स्टेप पब्लिक स्कूल। अंकुश खरब पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी, आते ही जो धमाका उन्होंने उनको टीम को झेलना पड़ा, ये बहुत ही लाजवाब। देखिए कुणाल भुजबल कितना जबरदस्त उनका टेक्निक है। नंबर 11 आउट, 1 पॉइंट पवार पब्लिक स्कूल। पवार पब्लिक स्कूल पुणे ने इतनी लीड ले ली है पंकज की, अब यहां से अगर वो गलतियां ना करें तो ये लीड कम से कम मेंटेन जरूर रह सकती है। किक्स क्या बात है, चाहे आदित्य हो चाहे कुणाल हो, जबरदस्त लगा रहे हैं और ये मुझे लगता है रेडर सेफ होंगे। रेडर आउट, रेडर आउट। बोनस पॉइंट लिटिल स्टेप पब्लिक स्कूल। 1 पॉइंट पवार पब्लिक स्कूल। बोनस लिया था रेडर ने, लेकिन उसके बाद उनको डैश किया गया और डैश करने के बाद डिफेंडर ने मिड लाइन क्रॉस किया, लेकिन हाँ तब तक रेडर आउट हो चुका था, इसीलिए रेडर को आउट किया गया। कुछ एक पल के लिए ऐसा लगा था कि डिफेंडर भी थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, लेकिन कुणाल भुजबल लगातार इस तरीके से वो समय नहीं देते डिफेंडर्स को। जर्सी नंबर 8 आउट, 1 पॉइंट पवार पब्लिक स्कूल। बहुत ही जबरदस्त शुरुआत पवार पब्लिक स्कूल की, रेंज देखिए, अपनी लंबाई का पूरा पूरा फायदा उठाया। ये सुपर टैकल सिचुएशन है क्योंकि 3 डिफेंडर है, ओहो, लेकिन इस रेडर को कौन रोके। जर्सी नंबर 11 आउट, 1 पॉइंट पवार पब्लिक स्कूल। जर्सी नंबर 11 ने जर्सी नंबर 11 को ही आउट किया है। कुणाल भुजबल पुणे के जर्सी नंबर 11 टीम के सबसे कामयाब रेडर थे पिछले दौर में, यहां उनको 4 पॉइंट मिले हैं और ये आखिरी रेड है पहले हाफ की यकीनी तौर पर। बोनस ऑन है क्योंकि 6 खिलाड़ी से मैट पर है, डैश कर दिया। कुणाल भुजबल ने वो डैश किया जिनको 4 पॉइंट रेड में मिले हैं, लेकिन पहले हाफ में पहली ही रेड जो की गई थी पवार पब्लिक स्कूल पुणे के पराश दलवी के द्वारा, वो हाईलाइट थी जिसमें 5 पॉइंट आए थे। उसके बाद पवार पब्लिक स्कूल ने ऐसी लीड बनाई कि दिल्ली के लिटिल स्टेप वापसी कर ही नहीं पाए। तो ये है अब तक की कहानी। हाफ टाइम तक पवार पब्लिक स्कूल ने 17-4 से एक शानदार बढ़त ले ली है, पहला हाफ उनके नाम रहा है। दूसरा हाफ शुरू होने वाला है और दिल्ली के लिटिल पब्लिक स्कूल ऑल आउट के करीब है, वापसी करना तो दूर की बात है, उनको यहां ऑल आउट से भी नहीं बच पाए। ऑल आउट 1+2 3 पॉइंट्स पवार पब्लिक स्कूल। दिल्ली के लिटिल स्टेप पब्लिक स्कूल दूसरी बार ऑल आउट हुए हैं और
पवार पब्लिक स्कूल पुणे उन पर 24 से एक बड़ी लीड बना चुके हैं। डिफेंस में दिल्ली को एक भी पॉइंट नहीं मिला है, जबकि रेड में महज 4 पॉइंट मिले। बिल्कुल, और जिस तरीके का एग्रेशन दिखाया है पवार पब्लिक स्कूल ने, इससे जो दबाव बन गया है लीग स्तर पर, ये बहुत ही मुश्किल। 5 सुपर टैकल्स, सक्सेसफुल टैकल मारती है पवार पब्लिक स्कूल। यही हम बात कर रहे थे पंकज की, दिल्ली को एक भी टैकल पॉइंट नहीं मिला, और यहां लगातार बोनस, लगातार टच पॉइंट ला रहे हैं दिल्ली के खिलाड़ी। 3 परिवर्तन कर लिए हैं पुणे ने, तनीश कोहम और ऋषिराज, इन 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। कितने पॉइंट लाए हैं अंकुश? ओहो, सुपर रेड हो गई। बोनस और 2 डिफेंडर्स को टच कर लिया। अंकुश को ऐसे ही लगातार दूसरे हाफ में करना होगा, तब जाकर वापसी कर पाएंगे। देखिए बोनस का कितनी सफाई से लिया, बड़ा अच्छे स्किल थे, ऐसे कोई गलत स्किल नहीं थे। उसके बाद हैंड टच किया, फिर एस्केप किया। अंकुश ने एक ही रेड में 3 स्किल दिखाए हैं, इसीलिए अपने टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं ये। सुनील, सिटी चैंपियंस को भी मैचेस में इतना दबाव झेलना पड़ता है। डैश किया, ये बड़ा शिकार। जो कि पवार पब्लिक स्कूल पुणे के सबसे कीमती खिलाड़ी हैं, उनको कमाल का एंकल होल्ड किया राइट कॉर्नर ने, रोहन कुमार ने। कितना बढ़िया कोऑर्डिनेशन, यहां से मैच पलट सकता है दिल्ली के पक्ष में। जर्सी नंबर 3 1 पॉइंट लिटिल स्टेप्स, ओम घुले का शिकार किया। अचानक दिल्ली के लिटिल स्टेप्स ने बड़े स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है, और वो भी किस वजह से? अंकुश की वजह से। 2 मेन रेडर बाहर चले गए हैं पुणे के, कृणाल और ओम घुले। अब मौका है दिल्ली के पास मैच में लौटने का। फिलहाल रेडर ऋषिराज पवार हैं, जो कि सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं। यहां बोनस ऑन है उनके लिए, और 2.5 मिनट के आसपास का वक्त, और मिनट स्टेप्स के डिफेंस ने काम कर दिया। वन पॉइंट लिटिल स्टेप्स पब्लिक स्कूल। लास्ट मैन स्टैंडिंग सोहम देशमुख, जो कि सब्स्टिट्यूट आए थे हाफ टाइम के बाद। अपनी टीम को ऑल आउट से बचाना है, नहीं कर पाएंगे। दिल्ली की जबरदस्त वापसी, पुणे ऑल आउट। अहमदाबाद का फाइनल हमें याद होगा, 18 पॉइंट से पिछड़ने के बावजूद रचना स्कूल वो मुकाबला जीते थे। तो दिल्ली भी बहुत करीब आ चुके हैं, सिर्फ 4 पॉइंट का फासला बाकी है। अब उनकी कोच करिश्मा नर्वस जरूर हैं, लेकिन अब ज्यादा अंदर से खुश होंगे। क्या जबरदस्त वापसी, एक और बेहतरीन पॉइंट, एक भी नहीं 2 पॉइंट। अंकुश खरब ने दूसरे हाफ में अपनी धमाकेदार रेड्स के साथ टीम को वापसी करवाई है। पहले बोनस लिया, राइट कवर बाहर आए, उनको रनिंग हैंड टच किया, और यहां धमाकेदार ओम घुले दावा कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर का कहना है कि बिल्कुल नहीं। जर्सी नंबर 11 आउट, 1 पॉइंट, और ओम घुले का दावा माना गया। देखिए कितना कॉन्सेंट्रेशन, टो टच किया, झांसा दिया, वापसी कर रही है दिल्ली की स्कूल, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नहीं लग रहा है इस बार। ओ ये इसके बहुत बड़ा पॉइंट है ये। 2 पॉइंट्स, लिटिल स्टेप पब्लिक स्कूल। लिटिल स्टेप पब्लिक स्कूल ने दूसरे हाफ में जो वापसी की है, उसने टीम की जीत की आशाएं काफी प्रबलता से जगाई थी। कोच करिश्मा जानती हैं कि ये वापसी बेहतरीन तो है, लेकिन संभवतः जीत नहीं दिलवा पाएगी, और यहां ब्लॉक कर लिया। लेकिन समय निकलता जा रहा है लिटिल स्टेप्स के लिए, बहुत मुश्किल की घड़ियां। बहुत ही इनिशिएटिव अच्छा था अंकुश का, उन्होंने तृणाल को बिल्कुल ब्लॉक किया, कोई मौका नहीं था उनके लिए। आखिरी रेड है, और देखिए पुणे का एक खिलाड़ी आगे आ गया, लेकिन यहां 4-5 पॉइंट चाहिए, और एक ही डिफेंडर उनको अंदर जाने नहीं दे रहा। इतनी मैच्योरिटी दिखाई है पुणे के टीम ने। मैच पुणे जीते हैं, दिल दिल्ली जीते हैं। क्या जबरदस्त मुकाबला, इतना टशन, इतना पंगा हो सकता है सिर्फ केबीडी जूनियर्स में। क्या जबरदस्त शुरुआत हुई थी मैच की। तो ये था आज का पहला मुकाबला, पवार पब्लिक स्कूल जो 17-6 से हाफ टाइम तक आगे थे, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, 25-22 से आखिरकार इस मुकाबले को जीत लिया।